गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सिक्स्थ का सेवन्थ चैप्टर जिसका नाम है मोती। इसके राइटर है मुंशी प्रेमचंद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद क्या है, ये उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। इन्होंने उपन्यास के फील्ड में अपना हिंदी साहित्य में नाम कमाया है और जो भी कविताएं लिखी हैं हिंदी की, उर्दू की, उनमें भी इनका नाम, जो हमारे महानतम कवि हैं हिंदी साहित्य में, उर्दू साहित्य में, उनमें भी इनकी गिनती होती है। तो ये एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे, लेखक भी थे, ठीक है। तो यही लेसन इन्होंने, ये लेसन भी इन्होंने ही लिखा है जिसका नाम है मोती। तो मोती एक हाथी का नाम होता है। इसमें क्या है इस लेसन में कि पशुओं के प्रति संवेदनशीलता को दिखाया गया है कि पशु भी संवेदनशील होते हैं। कैसे? जैसा हम उनके साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही वो हमारे साथ करते हैं, वो भी हमसे प्यार और मान चाहते हैं। तो इस लेसन में क्या है, जो मोती नाम का हाथी था वो अपनी पदवी खोकर कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे काबू में आता है, वो सब हम इस कहानी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि मोती राजा साहब की सवारी का एक सीधा और समझदार हाथी था, ठीक है। वह कभी कभी बहुत क्रोधित होता था, यानी उसे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता था। एक दिन क्रोध में उसने अपने महावत को मार डाला। महावत होता है हाथी को हांकने वाला, जो हाथी को हांकता है, यानी उसका थोड़ा मिजाज गर्म मिजाज का था, वह आपे में नहीं रहता था। तो उसने अपने महावत को मार डाला। महावत होता है हाथी को हांकने वाला। इसे राजा साहब ने उससे अपनी पदवी छीन ली, ठीक है। तो राजा साहब ने क्या किया, उससे अपनी पदवी छीन ली, ठीक है, यानी जो उसका पद था वो छीन लिया। तो अब उसे, उसके साथ क्या किया राजा ने कि उसके साथ कुलियों जैसा व्यवहार किया जाता था और उसे खाने के लिए सूखी टहनियाँ दी जाती थी। मीन्स जो पहले राजा साहब से पहले जो प्यार और मान देते थे वो अब नहीं देते, क्योंकि उसने अपने महावत को मार दिया था। तो जब हाथी के साथ ये व्यवहार होने लगा तो उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन क्या हुआ, वह अपने जोश में आया और उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी और जंगल की तरफ भाग गया। तो राजा साहब ने जब यह सब देखा कि हाथी यहाँ से, जो मोती नाम का हाथी है वो यहाँ से भाग गया, तो उसने उसको पकड़ने के लिए वो स्वयं दौड़े लेकिन उसे पकड़ ना सके, क्योंकि जंगल के हाथियों से उसकी मित्रता भी नहीं थी। तो फिर वह महल की तरफ चला गया, ठीक है। रास्ते में उसने देखा, जैसे मोती चलता रहा जंगल की तरफ, उसने देखा कि राजा साहब शिकार करने के लिए आ रहे हैं। तो अचानक मोती राजा साहब की ओर ही दौड़े। जैसे इन्होंने राजा साहब को देखा तो मोती क्या है उसकी तरफ ही दौड़े। राजा साहब एक झोपड़ी में घुस गए तो मोती भी उनके पीछे वहीं घुस गई। उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया जिस झोपड़ी में वे घुसे, क्योंकि वह राजा से दोबारा वही मान और प्यार पाना चाहता था। तो उसने क्या किया, जिस झोपड़ी में राजा घुसे थे उसी झोपड़ी का ऊपर का छप्पर गिरा दिया और उसे अपने पैरों से रौंद डाला, ठीक है। तो राजा साहब किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए और क्रोध में आकर राजा ने क्या घोषणा की कि जो भी मोती को पकड़ेगा उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। तो जो मोती के महावत का बेटा था, यानी महावत होता है हाथी को हांकने वाला, उसका बेटा था, उसका नाम क्या था, मुरली। तो मुरली ने यह साहस दिखाया कि मैं हाथी को पकड़ कर लाऊंगा। वह उसे पकड़ने के लिए तैयार हो गया। तो जैसे ही मोती जंगल की तरफ बढ़ा वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने अपनी इधर उधर नज़रें दौड़ाई हाथी ने और वह मोती को ढूंढने लगा कि मोती कहाँ है। तो उसने देखा कि मोती सिर झुकाए, यानी मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। तो मुरली ने क्या किया, मोती की तरफ इशारा किया कि आप मेरे पास आ जाओ, और मोती ने उसे अपने मस्तक पर, माथे पर बैठा लिया। तो जो मोती था वो क्या है, मुरली को राजमहल की ओर ले गया।
जब राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, अब मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, कि अब डरने की कोई बात नहीं है, अब मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब यह किसी को नहीं मारेगा। तो राजा साहब ने जो 1000 रुपये का इनाम रख रखा था वह उसने मुरली को दिया और अपना खास महावत बना लिया। ठीक है, यानी मुरली को क्या बना लिया, अपना खास महावत बना लिया। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था, आप इसे एक बार रीड जरूर करोगे। ठीक है, रीड करने के बाद आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा और अच्छे से ही रीड करने के बाद ही आप इसके क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। ओके, थैंक यू।